नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की चार बड़ी खबरों का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन इसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया। मानसून की पहली बारिश में ही शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। यहाँ तक कि विधानसभा परिसर में भी बारिश का पानी भर गया। इसके अलावा जिस नगर निगम के ऊपर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा छोड़ा है, उसके मुख्यालय की छत भी बारिश के पानी में लीक हो गई। यूपी विधानसभा में भरे पानी के वीडियो भी सामने आए हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही सूचना विभाग, मुख्यमंत्री आवास और सिविल अस्पताल के साथ साथ हजरतगंज चौराहे पर भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ये है नजारा पहली बारिश का, जिसने लखनऊ को ही डुबो दिया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लखनऊ शहर के 6 अहम हिस्से जो जल से भर गए हैं। यहाँ पे जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ये पहली बारिश का ये हाल है जो सरकार और नगर निगम की पोल खोलता नजर आ रहा है कि ये क्या नजारा है। विधानसभा ही सुरक्षित नहीं है, विधानसभा के अंदर ही पानी भर गया है। इसके साथ नगर निगम, जिसके ऊपर शहर की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस नगर निगम का ऑफिस, उसके छत पे ये पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं साफ साफ टीवी स्क्रीन पे कि कैसे नगर निगम का ऑफिस भी पानी से भर गया है। इसके अलावा सिविल अस्पताल का नजारा देखिए। सिविल अस्पताल, जिसमें हर क्षण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मरीज के आते जाते हैं, उनके परिजन आते जाते हैं, बहुत ही रिहायशी इलाका है, उसके बावजूद वो सिविल अस्पताल का हाल देखिए, जहाँ पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ आप ये नज़ारा देख सकते हैं विभूति खंड का, जो लखनऊ का पॉश एरिया माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ये पॉश एरिया है, यहाँ पे भी पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि लोगों को आने जाने में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ लखनऊ का जो मेन इलाका देखिए आप, हजरतगंज चौराहा एकदम पानी से भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो नगर निगम, जिसके ऊपर शहर की पूरी सफाई की जिम्मेदारी है, वो भी भर गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, पहली बारिश है ये, और पहली बारिश में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें हम लखनऊ की, जिस तरीके से आज लखनऊ में पहली बारिश हुई है जी, और इस पहली बारिश ने जी, राजेश यार आवाज आ रही है आपको? आज लखनऊ के नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। अच्छी बात है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, पहली बारिश आज हुई लखनऊ में, और लखनऊ में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। और बात करें अगर लखनऊ के नगर निगम की, तो नगर निगम में भी पानी आज चारों तरफ पूरी तरीके से भर गया। राजेश, नगर निगम के ऑफिस की तस्वीरें बताती हैं कि कितना बदहाली वाला हाल है लखनऊ का, कि खुद जिसके ऊपर शहर की सफाई की जिम्मेदारी है, उस नगर निगम का ऑफिस भी आज एक ही बारिश में जल से भर गया है। बिल्कुल, अगर बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम के ऊपर पूरे शहर की सफाई का जिम्मा होता है, जबकि अगर समय रहते हुए अगर नालियों को और नालों को अगर साफ सफाई नहीं की गई, तो उसी का खामियाजा आज लखनऊ, राजधानी लखनऊ को भुगतना पड़ा। जाहिर सी बात है कि नगर निगम में खुद पानी भर गया, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जहाँ पर जिन नेताओं का जमावड़ा, पूरे प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा लगता है विधानसभा में, और विधानसभा में पानी घुसा हुआ नजर आया, उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जहाँ पे पूरे प्रदेश के जो विधायक जहाँ पे निवास करते हैं, विधायक आवासों में पानी घुसा हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है, इससे साफ पता चलता है कि नगर निगम की लापरवाही, नगर निगम की अनदेखी की वजह से आज पूरे लखनऊ को
जो बारिश की खामियाजा का भुगतना पड़ा है। जी राजेश, ये आज पहली बारिश है तो ये हाल है, सोचिए अगर 2-3 दिन लगातार बारिश हुई तो लखनऊ का क्या हाल होगा। ऐसे में जिम्मेदार कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, लेकिन जब विधानसभा और नगर निगम का ऑफिस सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में बाकी लखनऊ के हिस्सों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, लखनऊ में जो जिम्मेदार है, चाहे नगर विकास मंत्री की बात की जाए AK शर्मा की, या अगर नगर आयुक्त की बात की जाए या मेयर की बात की जाए, लगातार ये लोग हमेशा कहते हुए आते नजर आते हैं कि लखनऊ जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है और चारों तरफ साफ सफाई का बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन एक ही पहली बारिश में ही आज लखनऊ की पोल खुल गई और उन जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों की आज पोल खुल गई है किस तरीके से लखनऊ असुरक्षित है पानी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश को लेकर पूरे लखनऊ में आज जल जमाव देखने के लिए मिला है। और बात करें तो अगर खुद लखनऊ के नगर निगम ऑफिस की बात करें या जितने भी विधायक आवास है उनकी बात करें या खुद विधानसभा की बात करें, जब विधानसभा ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस यहाँ पे आम जनमानस की घर कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, ये जाहिर बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि लखनऊ में पहली ही बारिश का ये नज़ारा जो आपने टीवी स्क्रीन पे, लखनऊ के 6 अहम हिस्से जिनका ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि जो जलमग्न हो गया है, इसमें विधानसभा जहां नेता आते हैं, नगर निगम का ऑफिस जिसके ऊपर पूरी शहर की सफाई की जिम्मेदारी है, जब उसका ये हाल है तो बाकी के इलाकों का क्या हाल होगा। ये है पहली बारिश का हाल, सोचिए अगर ये बारिश 1-2 दिन और हो जाए तो इसमें शहर का क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हजरतगंज चौराहा, विधानसभा, विभूति खंड जो लखनऊ का पॉश एरिया माना जाता है, इसके साथ सिविल अस्पताल जो एक अस्पताल है, सोचिए वहाँ पे मरीज, उनके तिमिरदार और परिजनों का हर वक्त आना जाना लगा रहता है। नवल किशोर रोड जो एक रिहायशी एरिया माना जाता है, इसके साथ नगर निगम का वो ऑफिस जो खुद के ऑफिस की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए वो पूरे शहर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। ये आपने देखी 6 तस्वीरें लखनऊ के अलग अलग हिस्सों की, 6 अहम तस्वीरें जो लखनऊ में पहली ही बारिश के दिन जिनका ये हाल है। महज 2-3 घंटे की ये बारिश थी जिसकी वजह से लखनऊ जलमग्न हो गया है। आपको बता दें कि ये पहली बारिश है लखनऊ में जहां पे विधानसभा के साथ साथ पूरा लखनऊ अभी जलमग्न आपको नजर आ रहा है। इसके साथ आगे जानकारी के लिए हमारे साथ मेयर सुषमा खड़गवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप, पहली ही बारिश, सिर्फ 2-3 घंटे की बारिश और पूरा लखनऊ जलमग्न, यहां तक कि नगर निगम का ऑफिस और विधानसभा भी सुरक्षित नहीं रहा, ऐसे में शहर की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? शहर की जिम्मेदारी मैडम मेरे ऊपर है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, जबरदस्त बारिश हो रही है, प्रयास किया गया है, फैजुलागंज में बहुत बड़ा नाला बनाया गया है, 1-8 साल में पूरा नाला बंद करके कोशिश की जाएगी कि बारिश के समय जल भराव ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा नगर निगम लगा हुआ है। लेकिन मैम पहली ही बारिश है ये आज और बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, आप सोचिए नगर निगम की जिम्मेदारी होती है पूरे शहर में साफ सफाई की, उनका ही ऑफिस सुरक्षित नहीं है, अगर मान लीजिए 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई जैसे बाकी हिस्सों में होती है तो आप समझ सकती है कि लखनऊ का क्या हाल होगा। वहां के लखनऊ के अस्पताल सुरक्षित नहीं है, विधानसभा सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि नगर निगम का ऑफिस भी सुरक्षित नहीं है, तो शहर के लोग किस पे भरोसा करें फिर इस चीज को लेके? मैम प्रयास पूरा किया जा रहा है और जहाँ पे जल भरा है वहाँ पे मोटर लगा करके पानी निकाला जा रहा है, जहाँ पे पंप लगाना है पंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे नाले हैं वहाँ सब नाला सफाई करके वहाँ पे नालों में जा रहा है पानी,
प्रयास पूरा किया जा रहा है कि किसी तरीके से पानी की निकासी हो सके। लेकिन मैम ये इस प्रयास का क्या बताया जाए कि जब पहली बारिश में ये हाल है, क्यों ऐसी सुरक्षाएं इन सारी चीजों के होने से पहले नहीं की जाती? क्या सरकार या जिम्मेदार किसी अप्रिय घटना होने के अंदेशा में रहते हैं कि जब कोई घटना हो उसके बाद ही किसी चीज के लिए कदम उठाया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से यहाँ पे हम लोग 1-1.5 महीने से लगातार नाले की सफाई कर रहे हैं ताकि पानी बह जाए। ये आप भी जानते हैं कि ये हमारे आपके किसी के हाथ पे नहीं है, कभी बारिश ज्यादा होती है कभी नहीं होती है, लेकिन प्रयास पूरा किया जा रहा है, पूरा नगर निगम लगा है। मैम लेकिन आशंका तो रहती है ना, सोचिए कि आप लोगों को ये तो होगा ही कि चलिए बारिश हो रही है तो इन जगहों पे किसी टेक्निकल खराबी के कारण शायद हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच मंगलवार को जाति को लेकर जबरदस्त बहस हुई। अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि जिनकी जाति का कुछ पता ही नहीं वो भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर के इस बयान पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े हैं उससे वो नेता कम और गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव भड़क गए थे। उन्होंने इस बयान पर सदन में तीखे तेवर दिखाए थे। सोशल मीडिया पर अखिलेश और अनुराग के बीच गर्मा गर्म बहस का वीडियो काफी चर्चा में रहा। गौरतलब है कि यूपी बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच अखिलेश अक्सर केशव मौर्य पर तंज कसते नजर आते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जो ट्वीट आया है, जो मायावती ने भी इसको ट्वीट किया है, जाति जनगणना को लेके काफी बहस छिड़ रही है इन लोग के बीच, अखिलेश और राहुल का जो कलेश चल रहा है, इसके अलावा जो अनुराग ठाकुर ने बोला है, ये कहाँ तक सही है जाति जनगणना को लेकर? अगर बात करें जाति जनगणना को लेकर, कहीं देखा जाए जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया था कि बीजेपी और कांग्रेस जो है इस पे कहीं कहीं अनदेखी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ साफ साफ अनुराग ठाकुर ने कह दिया है कि राहुल गांधी खुद बताएं कि किस जाति से आते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हीं की बातों पर जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर को जबरदस्त लताड़ा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आखिर जब जाति पूछने की हिम्मत कैसे हुई, जाति पूछने की कौन होते हैं पूछने वाले, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया था राहुल गांधी के ऊपर, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने जबरदस्त पलटवार किया है अनुराग ठाकुर को के ऊपर। और दूसरी चीज यह है कि जाति जनगणना राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े मैं जाति जनगणना कराकर छोड़ूंगा। राजेश, मायावती ने तो बोला है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ओबीसी के विरोधी हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आपकी? एक तरफ भाजपा का कहना होता है कि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, फिर भी वो जाति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मायावती ने भाजपा और कांग्रेस को एक जैसा ही बताया है कि वो दोनों ही इस चीज को लेके विरोध में है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट किया है, तो जाहिर सी बात है कि ट्वीट करने के बाद
साफ साफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि हम जाति जो जाति जनगणना करा रहे हैं वो किसी भी कीमत पर, उसके लिए मुझे कुछ भी किसी भी हद तक कीमत चुकानी पड़ेगी, हम उसकी कीमत चुकाएंगे और जाति जनगणना हम कराकर ही छोड़ेंगे, बिल्कुल किसी भी कीमत में हम जाति जनगणना कराएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसी मुद्दे को लेकर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया था कांग्रेस के ऊपर, और उसके बाद मोर्चा संभालते हुए अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर पर जबरदस्त पलटवार किया है और साफ साफ कह दिया है कि तुम कौन होते हो जाति पूछने वाले, और जाहिर सी बात है कि जाति जनगणना हमारा हक है, अधिकार है कराना, तो जाहिर सी बात है कि हम जाति जनगणना जो है कराकर छोड़ेंगे। जी राजेश, अनुराग ठाकुर ने जो सदन में खुद ही बोला, जाति पूछी कि जिनकी जाति नहीं है वो जाति जनगणना की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि जो ये एक आजकल जाति जनगणना की बात चल रही है या कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से हिंदू मुसलमानों को लेके भी आए दिन मुद्दे उछलते रहते, तो क्या इसकी वजह से भाजपा की छवि कहीं ना कहीं खराब होती या धूमिल होती नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी के, भाजपा के लोगों ने और सरकार के लोगों ने जाति जनगणना पर सवाल उठाया है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल, और वही दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर, जनजातियों को लेकर जिस तरीके से मुहिम छेड़ी है, तो कहीं कहीं जाहिर सी बात है कि इससे बीजेपी की किरकिरी होने वाली है और इससे कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी का नुकसान भी हो सकता है। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनविरोधी सरकार है। सपा के वरिष्ठ नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुपूरक बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ नहीं है, ये जनता के साथ धोखा है। विधानसभा पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शिवपाल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, 2027 में भाजपा सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए जब धन की जरूरत होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाया जाता है। सदन में कल अनुपूरक बजट लाया गया, इसका मकसद है राज्य के विकास को एक नया मुकाम मिले, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सत्र में भाग लेने पहुंचे बृजेश पाठक ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पूरक है, कल प्रस्तुत हो गया है, प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले इसका प्रयास किया जाए। देखिए, जो कानून आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, समय समय पर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती उसके हिसाब से कानून बनाने का काम, विधेयक लाने का काम सरकार करती रही है और उसी के क्रम में यह भी आया है। विरोध में काम करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार। और देखिए, आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। शिवपाल यादव ने बताया कि बीजेपी की सरकार जन विरोधी है, बीजेपी ने फिर से गच्चा देने का काम किया। उन्होंने बोला कि अनुपूरक बजट का कोई मतलब नहीं था, फिर भी अनुपूरक बजट लाया गया, ये जनता के साथ सिर्फ धोखा है। जिसपे अब केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करके कहा कि विपक्ष वाले डर गए हैं, इसीलिए अब वो किसी ना किसी चीज को मुद्दा बनाकर रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के राजेंद्र नगर की राव आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार कोचिंग संस्थानों और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं छात्रों में आईएएस कोचिंग के 2 चर्चित शिक्षकों को लेकर भी काफी नाराजगी थी, क्योंकि दोनों ही टीचर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। वहीं हादसे को 3 दिन बीत जाने के बाद अब विकास दिव्य कीर्ति ने अपना पक्ष रखा है। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने अपना पक्ष देरी से रखने पर अफसोस जताते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए विकास कीर्ति दिव्य कीर्ति ने माफी भी मांगी। उन्होंने शनिवार की घटना पर कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम हैं, यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।